आज सुबह सुबह YouTube ने 5 अपडेट के बारे में अनाउंसमेंट किया। आज उसी के बारे में डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कौन सा अपडेट है, कितना यूजफुल अपडेट है। लेकिन इसमें जो चारों अपडेट होने वाला है वो मोनेटाइज चैनल में देखने को मिलेगा, अदरवाइज एक ऐसा अपडेट है जो ऑल क्रिएटर के लिए। तो ये जो 5 अपडेट है काफी बेहतरीन यूजफुल अपडेट है, तो आज इसी के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि मेरा चैनल में ऐसे ही न्यू अपडेट या YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो 5वां अपडेट के बारे में YouTube ने सुबह सुबह अनाउंसमेंट किया है, तो इसके बारे में विस्तार से आप लोग को जानने को मिलेगा कि अपडेट है कितना यूजफुल अपडेट है। तो जैसे कि दोस्तों पहला अपडेट है YouTube ऑटो चैप्टर्स को लेकर के। बेसिकली इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है, जो अभी फिलहाल नए नए अगर आपका कोई मल्टीपल कंटेंट है जिसमें हमें अपने अलग अलग सेटिंग्स अलग अलग मेथड के बारे में मेंशन किया, तो उस तरह वीडियो पर ऑटोमेटिकली ऑटो चैप्टर सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने जो भी पार्ट में वीडियो का जो भी पार्ट में जो भी चीज के बारे में मेंशन किया वो अलग अलग पार्ट में डिवाइस हो जाएगा, जो अलग अलग आपका चैप्टर्स सर्च लिस्ट में शो भी करेगा। तो इसके बारे में यूट्यूब ने पहले ही अपडेट कर दिया है, जो नए वीडियो पर देखने को मिलेगा। बट गाइस फाइनली यूट्यूब ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, आपका अगर ऐसा कोई पुराना वीडियो है जिसमें भी मल्टीपल अपने कंटेंट यूज किया, ऑटो चैप्टर होना चाहिए, तो फीचर एक देखने को मिलेगा जिसमें आप वही सारा वीडियो को भी ऑटो चैप्टर जो है इनेबल कर सकते हो। उसको आप चाहो तो जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको सिलेक्ट करके भी आप चैप्टर इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा वीडियो को भी ऑटो चैप्टर में कर सके। इसमें फायदा यही होगा, अगर आप सारा वीडियो को ऑटो चैप्टर इनेबल करके रखोगे तो आपका रिसेंट वाला वीडियो होगा या पुराना वीडियो होगा वो ऑटो चैप्टर जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसमें आपका वीडियो में व्यूज भी बढ़ सकता है या चैनल भी ग्रो हो सकता है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है आप लोग, वो वाला वीडियो को जाके जरूर देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट यूट्यूब का ट्रेंडिंग टैग्स को लेकर के। बेसिकली यूट्यूब ने पहले भी अनाउंसमेंट किया था, जो यूट्यूब पर जो हम लोग टैग्स कीवर्ड फाइंड करता हूँ तो वो उतना मैटर नहीं करता है, ज़्यादा मैटर अभी जो कर रहा है टैग्स मैटर ज़्यादा कर रहा है। तो अभी फाइनली YouTube ने इसके बारे में खुलासा कर दिया, जो ट्रेंडिंग में जो हम लोगों का सेक्शन देखने को मिलता है, अलग अलग कैटेगरी बाई कैटेगरी सेक्शन देखने को मिलता है जो ट्रेंडिंग में चलता है, चाहे म्यूजिक वीडियोस हो या न्यूज़ वीडियोस हो, उसी तरह ट्रेंडिंग पर और एक सेक्शन नया देखने को मिलेगा जो टैक्स सेक्शन, जिसमें जो टैक्स रैंक कर रहा है, कौन सा टैक्स रैंक कर रहा है, कौन सा टैक्स अभी वायरल हो रहा है, कौन सा टैक्स अभी सर्च हो रहा है, ये देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बेहतर फीचर है क्योंकि इसमें आप आइडिया लगा सकते हो जो अभी कौन सा टैक्स सर्च हो रहा है, कौन सा टैक्स ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो आप उसी टैक्स को सिलेक्ट कर सकते हो अपने वीडियो कंटेंट पर। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट कुछ फुल अपडेट है जो वीडियो मोनेटाइजेशन को लेकर के। बेसिकली अगर आप लोग का चैनल मोनेटाइज है तो आपको पता ही होगा, जो वीडियो आप लोग अपलोड करते हो तो अपलोड करने के बाद मोनेटाइज एनेबल जैसे ही करता है, काफी ऐसे वीडियोस होता है जिसमें ग्रीन जैसे येलो डॉलर हो जाता है, ग्रीन डॉलर नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम लोग को रेवेन्यू नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रीन डॉलर होगा तब रेवेन्यू मिलेगा, अदरवाइज येलो डॉलर होने से रेवेन्यू नहीं मिलता है। लेकिन पहले का जो अपडेट है आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, जो आपका कंटेंट में कोई ऐसा इशू नहीं है जिस वजह से आपका ग्रीन डॉलर से येलो डॉलर होना चाहिए, तो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो रिव्यू के लिए डेस्कटॉप में जाके। तो गाइस YouTube ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया, इस चीज़ को वाइट स्टूडियो जो एप्लीकेशन होता है उसमें भी जाके कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट और भी यूजफुल अपडेट है, क्योंकि गाइस जो एडसेंस हम लोग यूट्यूब पर लिंक करता हूँ, हम लोगों को पता है एडसेंस लिंक करने के बाद हम लोग ऐड को अपने मुताबिक चूज कर सकता हूँ, जो ये ऐड दिखना चाहिए ये ऐड को हम लोग ब्लॉक कर सकता हूँ। उसी तरह एफिलिएट जो एड्स होता है, एफिलिएट एड का पहले से अपडेट था, जो आप एड्स को कोई ब्लॉक नहीं कर सकते, कोई भी एफिलिएट का एड्स रन हो सकता है, चल सकता है। लेकिन यूट्यूब ने अभी ये मेंशन कर दिया, जो आप एडसेंस का तरह ऐड को चूज कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो एफिलिएट एड्स में भी, ये काफी यूजफुल अपडेट है। उसके बाद नेक्स्ट या लास्ट अपडेट के बारे में बात किया जाए, ये ऑल क्रिएटर के लिए, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्रिएटर के लिए ये जो अपडेट है काफी यूजफुल अपडेट है। ये जो होता है वीडियो एनालिटिक्स, तो वीडियो एनालिटिक्स बेसिकली क्या होता है, तो गाइस देखो हम लोग का चैनल पर जो जितना वीडियो होता है, चाहे आपका चैनल पर जितना 100 200 500 जितना वीडियो है, सभी वीडियो क्या हर टाइम व्यूज आता है, नहीं आता है, कभी कभार ऐसे कुछ कंटेंट होता है जो वन टाइम व्यूज आता है, उसके बाद वो वीडियो जो होता है फ्रीज होता है, बैठ जाता है, उसमें व्यूज नहीं आता है, क्योंकि वो वीडियो है वन टाइम व्यूज वाला, वन टाइम देखने वाला, नेक्स्ट टाइम देखेगा कोई ऐसा ऑडियंस नहीं है, उस तरह कंटेंट नहीं होता है। बट गाइस काफी ऐसे हम लोग का चैनल पर कंटेंट होता है जो रेगुलर कुछ ना कुछ व्यूज ला रहा है वो वाला वीडियो, तो ऐसे में हम लोग को पता नहीं होता है जो कौन सा वीडियो रेगुलर पर्टिकुलर एक ऐसा वीडियो है जो रेगुलर व्यूज ला रहा है और भी आगे जाके वो पर डे व्यूज लाएगा, उस तरह कंटेंट है, क्योंकि वो डिमांडेड कंटेंट होता है। तो अभी YouTube ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, अभी बेसिकली YT स्टूडियो जो एप्स होता है उसमें हम लोग का एनालिटिक्स शो करता है, बट अलग से एक एनालिटिक्स ग्राफ्स देखने को मिलेगा उन्हीं वीडियो का, जो वीडियो आपका रेगुलर बेसिस
व्यूज आ रहा है, उस सारा वीडियो सारा कंटेंट का एक अलग से ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका चैनल और भी ग्रो होगा, वीडियो और भी वायरल होगा। कैसे होगा? क्योंकि गाइस उस सेक्शन के थ्रू, वो ग्राफ्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा जो आपका इस तरह वीडियो जो है रेगुलर व्यूज आ रहा है, रेगुलर इसमें व्यूज आ रहा है, ऑडियंस भी आ रहा है, क्योंकि वो डिमांडेड कॉन्टेंट है। तो आप उसी तरह कॉन्टेंट को और भी टारगेट कर सकते हो, और भी वीडियो बना सकते हो, कॉन्टेंट फाइन कर सकते हो, उसमें आपका चैनल भी ग्रो होगा, वीडियो में व्यूज भी अच्छे खासे देखने को मिलेगा। तो यही पाँचों अपडेट है जो काफी यूजफुल अपडेट देगा। तो आप लोग कमेंट करना है पांचों अपडेट में से कौन सा अपडेट आप लोगों को बेटर लगा, या पांच अपडेट आप लोगों को बेटर लगा इस वीडियो के नीचे में डेफिनेटली कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह यूट्यूब से रिलेटेड नए नए अपडेट या टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाओ चेकअप डेफिनेटली कर लेना। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना, तब तक ले टेक केयर।